देखो अभी 15th क्वेश्चन देखो। देखो 15th क्वेश्चन। एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। और क्या प्रूव करना है वो आप बुक में पढ़ो जरा। वन प्लस डिवाइड बाई डी एक्स, वन प्लस डिवाइड बाई डी एक्स, ओनली डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वेयर है दिस होल स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। दिस इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये क्या है? कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। कैसे प्रूव करेंगे? देखो जरा, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो। टू इंटू एक्स माइनस ए प्लस टू इंटू वाई माइनस बी। टू इंटू एक्स माइनस ए प्लस टू इंटू वाई माइनस बी। और जब वाई माइनस बी का होगा तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स माइनस जीरो भी आएगा, सो इट इज़ डिवाइड बाई डी एक्स और सी स्क्वेयर का डेरिवेटिव जीरो। पावर आगे पावर एक कम, फिर इसके में भी पावर आगे पावर एक कम, फिर पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो डिवाइड बाई डी एक्स माइनस जीरो आएगा, ठीक है। टू को कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो कितना आएगा? एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करो, सो वाई माइनस बी, कॉमन लेके उधर ले गए टू को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो था, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। समझ आया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होगी डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू? देखो जरा, माइनस हो वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर, वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर, वाई माइनस बी यहाँ एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव करेंगे एक्स माइनस ए का, सो एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा? वन माइनस जीरो, सो इन टू में वन माइनस पहुंचे नहीं आप लोग यहाँ, जल्दी करो। माइनस एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो वाई माइनस डी का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ से क्या आ गया? देखो जरा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पर हमारे पास वाई माइनस बी, माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है अभी? देखो जरा यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल दें तो क्या आएगा? यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी अपॉन, इस पूरे के अपॉन में क्या है? वाई माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब एज ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। और एलसीएम ले लेंगे तो ये वाई माइनस बी इस वाई माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो, एलसीएम क्या आएगा?
देखो जरा, माइनस ऑफ वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन, ये वाई माइनस बी नीचे आया है, क्या बनाएगा, वाई माइनस बी होल क्यूब, वाई माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। दिस इज ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस दिस, ये वाली तो देख रहे हो इसको किसके इक्वल है, देखो यहाँ से ये c स्क्वायर के इक्वल है, तो इस कंप्लीट टर्म की जगह हम क्या रख सकते हैं, c स्क्वायर रख सकते हैं। सो दिस इज c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट, ये आएगा, ये हमारे डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू आ गई, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, देखो जरा, फाइंड किसकी करनी है, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाई टू अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड कर, बताओ जरा क्या होगा। प्रूव करना है कि ये वाली एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट नंबर है, ये जो एक्सप्रेशन है जो मैंने अभी लिखी है, ये एक्सप्रेशन क्या है, एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और वो एक कांस्टेंट नंबर आनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इक्वल, देखो जरा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, भी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दी, y माइनस बी, y माइनस बी यहाँ पर, इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट है और इसके ऊपर पावर कितनी है, थ्री बाई अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या है, इसकी वैल्यू माइनस सी स्क्वेयर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखते जरा, यहाँ पर एक ब्रैकेट था, सो ये क्या आ गया, वन प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, आ जाओ जल्दी, ठीक है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है थ्री बाई टू और नीचे माइनस सी स्क्वेयर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, राइट, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। समझने के लिए तो ज़रूरत है, देखो जरा इधर आओ, यहाँ पर एलसीएम लो, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वाई माइनस बी स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर कंप्लीट पावर थ्री बाई टू अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू, देखो जरा बच्चों, अपने क्वेश्चन को देखो, शुरुआत में इसकी वैल्यू क्या थी, y माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी सी स्क्वायर, क्या थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू थी सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर और इस कंप्लीट की पावर क्या है, थ्री बाई टू इंटू में, इसको रेसिप्रोकल कर दें, माइनस बिगनिंग में लगा देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन
सी स्क्वायर। इसको अरे यार वो नीचे चला जाएगा तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया उसको, ठीक है। दिस इज, ध्यान दो ध्यान दो, ये सी स्क्वायर की पावर कितनी है, सी स्क्वायर की पावर कितनी है, 3/2। इससे ये कट हो गया तो क्या आएगा, सी क्यूब। नीचे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है और होल पावर कितनी है, 3/2। तो ये इससे कट होगा, वाई माइनस बी की पावर क्या आएगी, 3 इंटू क्या है, वाई माइनस बी होल क्यूब, ये एज इट इज अपॉन सी स्क्वायर, ये भी एज इट इज। अब अगर आप इसको इससे कट कर देते हैं और सी स्क्वायर में 2 पावर यहाँ से कट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस सी, राइट, एक कॉन्स्टेंट आ गया सी। यही हमें प्रूव करना था कि इस टर्म की जो वैल्यू है वो क्या आती है, एक कॉन्स्टेंट आती है इनडिपेंडेंट ऑफ ए एंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, राइट, प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू दिस। ये बुक में रीड कर लो बच्चों, सॉरी डी टू वाई बाई नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये है। ध्यान से देखो क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कॉस स्क्वेयर ऑफ दिस, ठीक है। हम एक काम करते हैं, क्या करें, देखो बच्चों पूरे कॉस को ले जाएंगे, वाई निकालना यहाँ सिंपल सा नहीं है, y सिंपल नहीं है तो dy by dx निकालने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ से x फाइंड करना बहुत आसान है। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस वाई। चलो dx अपॉन dy, हम यहाँ से पहले dx अपॉन dy फाइंड करते हैं और फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा। हाँ ये भी होता है, ठीक है, चलो करो फिर dx अपॉन dy वाई कॉस स्क्वेयर ऑफ ए प्लस वाई, डिनोमिनेटर का होल स्क्वेयर कर दिया। अब डिनोमिनेटर को यहाँ एज इट इज रखो और ध्यान रखना y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो y x का काम करेगा, x y का काम करेगा, ठीक है। नहीं इजी है, देखो आसान हो जाएगा, देखो कॉस ऑफ ए प्लस वाई, पहले हम डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, कॉस ए प्लस वाई एज इट इज रहा, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, न्यूमरेटर है कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन वाई, तो माइनस में बिगनिंग में लगा देता हूँ और साइन वाई ये हो, कॉन्स्टेंट रूल में बीच में माइनस होता है। अब कॉस वाई को एज इट इज रखें, कॉस वाई को रखें हम एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर क्या है, देखो डिनोमिनेटर क्या है, दिस, ये, तो कॉस ए ए प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, कॉस ए प्लस वाई का माइनस साइन आएगा, तो उस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू इंटू डी वाई बाई डी एक्स, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y के टर्म्स का जहां भी डेरिवेटिव होगा वन होगा, जैसे यूजुअली x का डेरिवेटिव वन होता है, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, देखो बच्चों माइनस नहीं आएगा सर, कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन वाई होता है, लेकिन वो माइनस मैंने यहाँ बीच का माइनस था, पहले से यहाँ माइनस था
उस माइनस को मैंने प्लस बना दिया, ठीक है, उस माइनस को मैंने क्या बना दिया, प्लस बना दिया। चलो आ जाओ आगे, अब ये देखो साइन ए प्लस वाई, मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं, साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई इंटू कॉस वाई, ये बाद वाली टर्म को मैंने पहले लिख दिया और इसमें भी मैंने साइन को पहले लिख दिया, प्लस में, प्लस में नहीं, अब ये टर्म लिखेंगे तो ये तो माइनस की है, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, आए यहां तक समझ? अच्छा पार्टी इधर आ जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई जरा बताओ अरमान सर। देखो भाई साइन ए पी साइन ए, साइन ए, ए का मतलब ये वाला एंगल, कॉस बी, बी का मतलब वाई, यहां आ गया कॉस, ये ए है ना, ये बी है, यहां आ गया कॉस ए साइन बी, ठीक है, क्या बना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या बनेगा बताओ, साइन ऑफ, बीच में माइनस का साइन है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, क्या बनेगा ए माइनस बी, तो ए, एक मिनट एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर ठीक लिखो, डी एक्स अपॉन डी वाई है, ये क्या है डी एक्स अपॉन डी वाई, तो क्या आया साइन ऑफ ए प्लस वाई, साइन ए माइनस बी, बी कितना है, बी है वाई, ये एंगल ए है और ये क्या है बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी अपॉन क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वेरी सिंपल, बताओ जरा डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या आई, डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू आ गई साइन ऑफ ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन, ठीक है, एंस प्रूव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स क्या है, 17 है ना ये क्वेश्चन, यस सर, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टी, ए इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, टी साइन टी, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, ए प्लस और टी सेम लग रहा है, ऑल राइट, तेरा है मेरा, मेरा क्या ढंग से लिख, टी साइन टी है भाई, मैंने तो अपना बदल दिया, और वाई कितना दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, आवाज नहीं, टी कॉस टी, ए इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करेंगे, सो फर्स्ट वाले को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, सो एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, ये ए ब्रैकेट के बाहर होगा आई थिंक, चेक करो एक बार, ए इंटू बताओ कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन टी प्लस प्लस प्रोडक्ट टी, टी साइन टी पे प्रोडक्ट टू लगेगा, तो टी को एज इट इज रखें, साइन टी का डेरिवेटिव करेंगे दैट इज कॉस टी, राइट, प्लस में साइन टी को एज इट इज रखेंगे और टी का डेरिवेटिव क्या आएगा इंटू वन, इंटू वन तो ये साइन टी ही बन जाएगा, ठीक है, देखो जरा, सो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज ए इंटू
अच्छा कि साइन टी से हम इसको कट कर देते हैं, माइनस साइन टी प्लस साइन टी कट हो गया, तो क्या बचा? ए टी कॉस टी, ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, ए टी कॉस टी। सो यहां पर हमारे पास अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू फाइंड करें? हाँ ये कर सकते डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, बताओ डी वाई अपॉन डी टी ए एज इट इज, साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस टी, माइनस माइनस यूज करके करना है इसको, ब्रैकेट यूज करके करना, सॉरी टी एज इट इज, टी एज इट इज कॉस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन टी, बाहर लगा दो माइनस, क्योंकि कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है। प्लस में कॉस टी एज इट इज डेरिवेटिव किसका लिखना है? टी का, टी का डेरिवेटिव क्या होगा? वन, तो कॉस टी इंटू वन कॉस टी ही रहेगा। एक ब्रैकेट और भी क्लोज करते हैं, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टी माइनस, ब्रैकेट ओपन करो भी, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, टी साइन टी माइनस कॉस टी, समझ आया? कॉस टी से कॉस टी को कट कर दिया, डी वाई अपॉन डी टी ए टी साइन टी, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई? ए टी साइन। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये होगी डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, करेक्ट? क्या करें? डी वाई बाई डी एक्स, बताओ डी वाई बाई डी टी की वैल्यू बताओ, बातें मत करो। ए टी साइन टी, ए टी इंटू साइन टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू बताओ, ए टी कॉस टी, ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, ए से ए को कट करो, ए से ए को कट करो, टी रंग बदलते हो ना, टी से टी को कट करें, बीच में बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं, टी से टी को कट करें, कितने रंग है इसके अंदर? चार, कोई बहुत अच्छे से बदलते सर, आप ट्रांजिशन देते हो ना। चलो आ जाओ, सो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन गया बताओ जरा? साइन अपॉन कॉस टेंजेंट टी, राइट? एंड हमें फाइंड करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो क्या होगा सेकंड डेरिवेटिव? डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। देखो बच्चों ध्यान से समझने वाली बात है, टेंजेंट का डेरिवेटिव विष्णु क्या होगा? सीकेंट स्क्वेयर, सीकेंट स्क्वेयर टी, लेकिन हम तो डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो डेरिवेटिव तो टी का भी होना चाहिए, तो टी का डेरिवेटिव क्या होगा? डी टी बाई डी टी बाई डी टी बाई डी एक्स, वेरी गुड, डी टी बाई डी एक्स। अच्छा एक बात बताओ, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये है, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? वन अपॉन ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इज वॉट? वन अपॉन ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी,
सो व्हाट इज इट नाउ? देखो बच्चों, ये कॉस न्यूमरेटर में जाएगा और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सीकेंट टी. क्या बन जाएगा? सीकेंट टी. और एक सीकेंट स्क्वेयर टी पहले भी है, तो ये बनेगा सीकेंट क्यूब टी. और नीचे क्या आएगा? ये. ठीक है, हमें यही प्रूव करना था, मतलब आंसर फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन 18th को अभी छोड़ दो, 20th को भी छोड़ दो, या करना है तो कर लो. 19th वाला चलो मैं करवा देता हूँ आपको. ट्वेंटी में क्या कह रहा है ये? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी. 19th, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड डिफरेंस यूजिंग द फैक्ट दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड डिफरेंशिएशन फाइंड द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन. कोसाइन का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें. ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? अभी ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको. इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में साइन ए. साइन का क्या होगा? कॉस, कॉस ए, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस. ठीक है, ए प्लस बी का भी तो होगा सर, और वो जीरो नहीं आ जाएगा. ए के रिस्पेक्ट में करने पे ए का हो गया वन और बी का जीरो, तो वन प्लस जीरो. ए के रिस्पेक्ट में करने पे ए का क्या होगा? जीरो इनटू कॉस ए प्लस बी. ठीक है, साइन ए का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस ए. प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, और प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में एज इट इज रहता है, तो ये ऐसे ही रहेगा. साइन ए का डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस ए, इन तो हमें ए का करेंगे क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, पावर प्लस कॉस ए. कॉस ए का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? कॉस ए का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन ए, और साइन भी क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा. राइट, तो यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू, ये क्या बना? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बस आ ही गया. कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही तो लाना था. कोसाइन का सम, कोसाइन फार्मूले, कोसाइन फार्मूला फाइंड करना था. ये एक लाइन का क्वेश्चन था, कितना. ठीक है, 20th वाला हम बाद में करेंगे, 21st वाला सिलेबस में नहीं है. क्या? तो 22nd पे आ जाओ सीधे. मजा आ गया. 22nd ट्वेंटी सेकेंड पे आ जाओ फटाफट. 21st मत लिखो सर, 22nd. देखो जरा क्या है. Y इज इक्वल टू, आवाज नहीं भाई, e टू द पावर a कॉस इनवर्स x. आवाज मत करो भाई. दिस y इज इक्वल टू e टू द पावर दिस, और प्रूव क्या करना है? शो करना है सर. शो क्या करना है? इक्वलिटी लेवल बताता है सर, भी e टू द पावर दिस बोल रहे हैं. वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है. तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी बहुत किए हैं, हमारे लिए क्या मुश्किल क्वेश्चन है? हमारे लिए तो दाएं हाथ से बाएं का खेल है. ठीक है, देखो जरा,
बच्चों y का डेरिवेटिव log की जरूरत नहीं है क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है, e की पावर में है तो e में log की जरूरत नहीं होती, e टू द पावर x में log की जरूरत नहीं होती, a टू द पावर x में log की जरूरत नहीं होती है, तो इसमें log लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसमें dy by dx, dy by dx is equal to, अब हमें पता है e की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो एज इट इज रहता है, इनटू में पावर का अलग से होता है, सो e टू द पावर a, e टू द पावर e टू द पावर a cos इनवर्स x, e टू द पावर a cos इनवर्स x एज इट इज रहेगा, इनटू में पावर का डेरिवेटिव होगा a मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दिस। तो यहां से क्या आएगा इस टर्म को ध्यान दो, इस टर्म को लेफ्ट में देखो, यहां पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू की साइड में वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसलिए वन माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, ये जो वन माइनस एक्स स्क्वायर है इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो इनटू डीवाई बाय डीएक्स एज इट इज, दिस इज इक्वल टू। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, और ध्यान से नहीं बहुत ध्यान से देखो, और देख के मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टर्म y के इक्वल है और ये a एज इट इज रहेगा। देखो ये तो इधर चला गया, माइनस a और माइनस वन बचे हैं, और ये जो सर्कल वाली टर्म है वो y के इक्वल है, करेक्ट। देखो नहीं समझे, समझ गए, ये वाली टर्म जो सर्कल में है ये y के इक्वल है, ये रिकॉर्डिंग में माइनस a और ये माइनस वन, और जो डिनोमिनेटर था वो तो हम पहले लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा देखो जरा, वन या तो स्केयरिंग कर लो या विदाउट स्केयरिंग कर लो, या तो स्केयरिंग से कर लो या विदाउट स्केयरिंग कर लो, विदाउट स्केयरिंग ही कर लेते हैं। देखो जरा स्केयरिंग से करना चाहते हो तो स्केयरिंग कर लो, तो स्केयरिंग कर लो भाई, अब स्केयरिंग तो दिमाग में आ गया ना, वही तो सर, अब दूसरा वर्ष सीख लो दिमाग में आ रहा है, चलो स्केयरिंग कर लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। चलो आओ इधर, वन माइनस एक्स स्क्वायर स्केयरिंग करेंगे तो यहां पर ये रूट कैंसिल हो जाएगा और डीवाई बाई डी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो अब डेरिवेटिव करते हैं इसका, सो वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, बताओ इसका डेरिवेटिव बताओ, पावर आगे पावर एक कम, डीवाई बाई डी एक्स इसकी पावर कितनी एक कम हो जाएगी वन हो जाएगी, इनटू में जो पावर के नीचे फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव करना है, ये तो मैंने सोचा ही था, जो पावर के नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे जो कि क्या होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, प्लस प्रोडक्ट टूल भी लगाना पड़ेगा। तो अब इस डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को सेकेंड वाली टर्म को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स इंटू जो सेकेंड टर्म है डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर वो एज इट इज रहेगी, करेक्ट, दिस इज इक्वल टू। राइट हैंड साइड को अगर आप देखें तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो एज इट इज रहता है, डेरिवेटिव किसका होगा डेरिवेटिव होगा वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर के डेरिवेटिव को क्या लिखोगे टू वाई डी वाई बाई डी एक्स,
इज इट करेक्ट? ठीक है, चलते हैं आगे। अब आप थ्रू आउट देखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखो, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स पूरे में कॉमन है, लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है। लेफ्ट साइड की हर एक टर्म में क्या है? 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लेफ्ट साइड की हर टर्म में क्या है? 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये रहा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी 2 भी है और एक डी वाई बाई डी एक्स इसमें से ले लेंगे, और राइट साइड में भी 2 और डी वाई बाई डी एक्स दोनों है, तो लेफ्ट साइड से कॉमन लेंगे और राइट साइड में भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लेफ्ट साइड में 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया राइट तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है राइट। माइनस में यहां पर क्या होगा भाई? 2 कॉमन ले चुके हैं तो ओनली x बचेगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहां पर होल स्क्वायर था, यहां पर होल स्क्वायर था, एक बार चला गया तो एक बचेगा। दिस इज इक्वल टू, बताओ जरा, राइट साइड में 2 डी वाई बाई डी एक्स है, बिल्कुल है जी, और ए स्क्वायर वाई भी बचेगा उसके बाद। तब लेफ्ट का डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म है 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये राइट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो गई। सो वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। सो बचेगा क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, यही हमें प्रूव करना था। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, देखो जरा। एग्जाम्पल 42 नई वाली बुक में, एग्जाम्पल 42 है ये, एग्जाम्पल 42 न्यू वाली बुक में एग्जाम्पल 42 है। y इज इक्वल टू, ध्यान दो इधर, a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी एंड x इज इक्वल टू, इसको तुम कर लोगे आई थिंक, करके दिखाओ मुझे, t प्लस 1 बाई टी और इसकी पावर क्या है? कर लेंगे सर, बुक में लिखा हुआ है, देखो जरा अपने आप कर लेंगे। बताओ y का डेरिवेटिव बताओ, dy वाई बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, बोलो a का एज इट इज रहता है, इंटू में क्या होता है? लॉग ऑफ a, लॉग ऑफ ए का डेरिवेटिव एज इट इज रहता है, ए टू द पावर एक्स का, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए टू द पावर एक्स ही होता है, इंटू में क्या? लॉग ऑफ ए। लेकिन पावर में अगर कोई फंक्शन हो तो उस फंक्शन का भी अलग से डेरिवेटिव होता है। सो पावर में जो फंक्शन है वो क्या है? देखो जरा क्या है पावर वाला फंक्शन, टी प्लस वन अपॉन टी, तो इसका अलग से होगा, क्या होगा इसका? टी का डेरिवेटिव करो पहले, टी का क्या होता है? वन, और वन अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है? जब वन अपॉन टी का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले इसको, फिर इसकी पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, माइनस वन बाय टी स्क्वायर, तो क्या हो गया? टी का डेरिवेटिव हो गया वन, टी का डेरिवेटिव क्या होगा? वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर, क्लियर है? बहुत ईजी है ना। चलो इसको तो यही छोड़ देते हैं, अब dx by dt फाइंड करते हैं, तो dx by dt क्या होगा? ये पावर है, किसी वेरिएबल के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और पावर एक, तो t प्लस 1 बाई टी और इसकी पावर a माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव देखो जरा, t का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, सो दैट इज डी वाई बाई डी टी
divided by dx by dt. So what is it? A into t plus 1 by t raised to power a minus 1 into 1 minus 1 by t square. उल्टा लिख दिया मैंने, dx लिख दिया, a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी log a 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या होगा भाई, a इंटू टी प्लस 1 बाई टी रेज टू पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर. तो ये टर्म तो बिल्कुल वैसी कट हो जाएगी, ये जो बचेगा ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो आगे. नहीं सर, ठीक है, टैग कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कहता है कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स. एग्जाम्पल 43, न्यू बुक का 43. डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में करना है? विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स. किसके रिस्पेक्ट में? ई टू द पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना. देखो जरा, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स, इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है. बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, तो जिसको डिफरेंशिएट करना हो उसको यू अज्यूम करो, जिसको डिफरेंशिएट करना हो उसको यू अज्यूम करो. ठीक है, ठीक है, तो इसको वी अज्यूम कर लो. रिकॉर्डिंग वाले तो ये नहीं समझ पाए ना, इनको तो लग रहा है आपने प्रोपोज नहीं कराए. इसको भी अज्यूम कर लो, क्या पता रिकॉर्डिंग वाले ही सोच रहे हो आपने मिटाया वहां पे. वही तो मैं कह रहा हूं, आपने पॉज करके कर करके दिखाओ ना, रिकॉर्डिंग वाले को कैसे पता चल जाएगा, उनके सामने आ जाओ. अच्छा, तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको यू अज्यूम करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको वी अज्यूम कर लेना है. ठीक है, ऐसा एक ही क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन का मतलब इस सिलेबस में टॉपिक इंक्लूड हो जाता है ना. देखो जरा, पहले यहां से u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या फाइंड करते हैं? dy by dx. जब हम u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? v के रिस्पेक्ट में, तो क्या फाइंड करेंगे? du by dv. तो फर्स्ट हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. नाउ u किसका फंक्शन है बच्चों? x का. तो u डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, सो u का डेरिवेटिव बताओ du by dx क्या होगा? That is equal to 2 बताओ, पावर आगे आ गई, पावर एक कम हो जाएगी, फिर पावर के नीचे जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव होगा दैट इज कॉस एक्स, तो क्या बन गया? ये साइन 2x बन गया. ठीक है, देखेंगे आगे इसकी जरूरत होगी तो 2x रख लेंगे, नहीं तो फिर कैंसिल कर देंगे. और जो सेकंड फंक्शन हमारा v, उसका डेरिवेटिव करेंगे, v का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? dv by dx e to the power cos x, e to the power cos x into cos का derivative, power का derivative करेंगे that is minus sin x. ठीक है, ये आ गया. अब हमें क्या find करना है? हमें du by dx find करना है, du by dv find करना है हमें. So that will be du by dx. u और v ना ले, x और y ले ले तो चलेगा. x तो पहले से ही है, y भी, y तो है नहीं कर. कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, बट x मत लेना, जो भी लो x नहीं होना चाहिए. du by dx अपॉन dv by dx. सो व्हाट इज du by dx? इसको वही लिख लेते हैं, 2 sin x cos x ही लिख लेते हैं. और नीचे क्या है dv by dx? क्या है? e to the power cos x into minus sin x. तो अब क्या करें? साइन एक्स को कट कर देते हैं, साइन एक्स से साइन एक्स को कट कर देते हैं, क्या बचेगा हमारे पास? अच्छा देखो, माइनस बचे, माइनस को तो टू के साथ लगा देते हैं,
कॉस एक्स भी बचेगा, और जो डिनोमिनेटर में e टू द पावर कॉस एक्स है, इसको न्यूमरेटर में लिखना हो तो e टू द पावर माइनस कॉस एक्स, ऐसा कर देंगे। बुक में तो वैसे डिनोमिनेटर में ही छोड़ा हुआ है, तो आप डिनोमिनेटर में भी छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, ये आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज खत्म होगी, चैप्टर भी, और कंटिन्यूटी का पोर्शन इस चैप्टर से हमारा रह गया है, वो हमें करना है, बाकी ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। सो आप इसका रीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है।